हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विशाल एंड आप देख रहे हैं केवी टेक न्यूज़। आज की टेक न्यूज़ में वैलेंटाइन वीक को ध्यान में रखते हुए कुछ कंपनियों के खास एट्रैक्टिव इनिशिएटिव्स हुए हैं, जैसे सैमसंग एंड हुआवे। एंड करेंगे बात कि क्या कुछ हुआ टेक की दुनिया में इस वीक। आगे बढ़ने से पहले चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग की। तो दोस्तों खबर ये आ रही है कि सैमसंग चाइना में 14 फरवरी के दिन लॉन्च कर सकता है अपना गैलेक्सी A8 SFE एडिशन, यानी फीमेल एडिशन, जिसका बैक पिंक एंड ब्लू ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आएगा। एंड और एक वेरिएंट होगा जो कि है पिंक एंड येलो ग्रेडिएंट फिनिश के साथ, एंड ये होगा ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, जिसको पिंक रिंग के साथ सजाया गया है, जो देखने में काफ़ी अच्छा एंड अट्रैक्टिव लुक देता है। फ्रंट में अगर बात करें तो कंपनी लगता है ऑनर व्यू 20 की तरह ही पंचुअल कैमरा सेटअप देने का मन बना रही है, एंड इसे कंपनी इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले का नाम दे सकती है। अब लॉन्च करने के बाद ही पता चलेगा कि ये क्या होगा। ओप्पो ने लगता है मोबाइल इंडस्ट्री के लिए नया चैलेंज खड़ा कर दिया है, एंड वो है सस्ते दाम में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अपने फ़ोन में देने का, क्योंकि उसने लॉन्च कर दिया अपना ओप्पो K1, जिसकी कीमत है 16,999। जी हाँ दोस्तों, 16,999 की कीमत में आपको मिलने जा रहा है आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन, जो इस फ़ोन का मेजर फीचर है। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओप्पो बेसिकली एक कैमरा सेंट्रिक ब्रांड है, एंड इस मॉडल में भी उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है, क्योंकि ये आता 25 मेगापिक्सल के फ्रंट शूटर के साथ, एंड पीछे के आपको मिल जाता है 16+2 मेगापिक्सल का डुअल रियल सेटअप, जो काफ़ी अच्छी बात है। परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी ये पीछे नहीं है, क्योंकि ये आता है स्नैपड्रैगन 660 के साथ, जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। एंड प्रोडक्शन के लिए कॉर्निंग ग्लास 5 दिया गया है, एंड बैटरी लाइफ रखी गई है 3600 mAh बैटरी। एंड इसका एक ही वेरियंट हुआ है लॉन्च, जो कि 4+64 GB का मॉडल, जो कि आपको 16,999 का पड़ेगा। कलर की बात करें तो ब्लू एंड ब्लैक कलर ही लॉन्च हुए हैं। 20 फरवरी 2019, ये वो तारीख है जब वीवो अपने नेक्स्ट मॉडल एंड वी सीरीज को कॉम्बाइन करके एक नया मॉडल लॉन्च करेगा, जो कि होगा आपका V15 Pro। वीवो नेक्स्ट की तरह ही पॉपअप कैमरा के साथ आएगा, जो कि आपका 32 मेगापिक्सल का होगा। एंड ये ही नहीं दोस्तों, ये होगा पहला ट्रिपल कैमरा सेटअप वीवो की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड र्यूमर के हिसाब से अगर देखें तो इसमें हो सकता है 48+8+5 मेगापिक्सल का सेटअप। यही नहीं दोस्तों, द ट्रेंडिंग फीचर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, जो कि वीवो की तरफ से ही लॉन्च किया गया था, और भी एडवांस फीचर के साथ इसमें शामिल किया गया है। प्राइसिंग एंड अदर डिटेल्स लॉन्च के बाद ही पता चलेंगे। अगर आप हैं वन प्लस के फैन एंड चाहते हैं कि आपकी कोई एक फीचर उनके अगले फ्लैगशिप मॉडल में हो, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वन प्लस ने ओपन अनाउंस कर दिया है कि कोई भी एक ऐसा फीचर बताओ जो हम अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन पे डाल सकें। अगर आपका फीचर होता है सेलेक्ट, तो आपको मिलेगा उनका वही मॉडल जिसमें आपका होगा फीचर, बताया गया फीचर। एंड अगर आपका फीचर हुआ सेलेक्ट, तो आपको उनका नया मॉडल जिसमें आपका बताया गया फीचर होगा, एंड लॉन्च इवेंट में जाने का भी मौका, एंड प्लेन टिकट्स भी। तो अब ये डर नहीं कि जितने के बाद हम वहाँ कैसे जाएंगे, एंड नीचे लिंक दिया गया है, आप पूरी डिटेल्स पढ़ के ही आगे प्रोसीड करिएगा। तो इंतज़ार किसका, वीडियो के ख़त्म होने के बाद जाइए एंड बन जाइए वन प्लस के फीचर में अपना नाम शामिल करने के। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। हुआवे ने शुरू कर दिया एक कॉन्टेस्ट वैलेंटाइन वीक को ध्यान में रखते हुए, एंड जितने भी मिल सकता है आपको Nova 3i या Amazon गिफ्ट वाउचर्स। अगर आपको इसमें भाग लेना है तो हुआवे के इंस्टा पेज को फॉलो करें। लास्ट वीक पबजी का पैच 25 आया था, एंड इस वीक पबजी के PS वर्जन में लिमिटेड समय के लिए आया है सुसाइड स्क्वाड के जोकर एंड मिनी के स्किन पैक्स, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, एंड उम्मीद करता हूँ कि मोबाइल में भी ये आए। तब तक आप इसकी झलक देख लीजिए।
एंड एक खबर और भी आ रही है एंड वो ये है कि पबजी को स्टीम की तरफ से मिला है गेम ऑफ द ईयर का अवार्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन पबजी। तो ये था आज की टेक न्यूज़ में, मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा एंड कुछ कहना चाहते तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए कभी टेक न्यूज़। थैंक यू।